दिव्य दृष्टि में अब पिशाचनी से जो ब्रेक मिला है ना दिव्य और दृष्टि और उनके परिवार वालों को, लेकिन चिंता मत कीजिए, पिशाचनी की जगह लेने के लिए एक नई मुसीबत आ गई है जिसका नाम है लाल चकोर। अब ये लाल चकोर आके क्या लालिमा फैलाएंगी ये तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये इनविजिबल है। इनविजिबल इसलिए है क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार ये है कौन। दृष्टि, दिव्या और अक्षित मिलकर अपना स्वैग दिखा रहे हैं। सीन भले ही जैसा भी हो, इन्हें कॉस्ट्यूम्स ऐसे मिलते हैं जिसे पहनकर फोटो खिंचवाने का तो मन कर ही जाता है। इसीलिए देखे ना, सेट पर अगर सीन की बात करें तो सीन तो संगीन हो रहा था, लेकिन सीन की गंभीरता से दूर जैसे ही शॉर्टकट हो जाता, ये तीनों अपना स्वैग दिखाने में जुट जाते। फोटो सेशन के बाद हमें रक्षित के हाथ में मांझा भी नजर आया। यहाँ रक्षित को समझ नहीं आ रहा कि इस मांझे के साथ क्या करे, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में दिव्य और दृष्टि को भी समझ नहीं आ रहा कि पिशाचनी के गुरु लाल चकोर को कैसे ढूंढे। लाल चकोर जो है वो पिशाचनी के भी बॉस है। मैं और दिव्या ने, मतलब वो जो है वो पिशाचनी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, सो आई थिंक ही इज अ बिगर थ्रेट टू दिव्या दृष्टि। मुझे दृष्टि को ऐसे भविष्य दिखाया है कि कुछ तो है जो वो लोग लाल चकोर अतीत में जाकर कुछ तो करना चाहता है, और ऐसा कुछ तो सस्पेंस है, और दृष्टि के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उस पर कई लोगों की जान निर्भर है। तो इसीलिए दृष्टि पहुँच गई है गुफा के अंदर देखने के लिए कि ये लाल चकोर का राज क्या है। जंगल में लाल चकोर की तलाश में दिव्य और दृष्टि हैरान परेशान घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि बहुत जल्द वो दोनों ही संदूक में बंद होने वाले हैं, और इस संदूक में बंद होने के बाद दिव्य और दृष्टि के साथ क्या क्या होता है और दिव्य और दृष्टि इससे बाहर कैसे निकलती है, ये भी हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ, एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।